नमस्कार, आप देख रहे हैं दबंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ मेघा जैन। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। फिट इंडिया कैंपेन को लेकर इंदौर जिला के खेल अधिकारी जोसेफ बक्सला ने कई खेल संगठनों के साथ इंदौर में जिले में कई कार्यक्रम किए। इसी घड़ी में खेल और युवा कल्याण विभाग, नेहरू युवा केंद्र और ओपी सर फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर ने सामूहिक रूप से चिमनबाग मैदान से फिटनेस रैली भी निकाली। फिट इंडिया को लेकर जिला खेल अधिकारी जोसेफ ने अलग अलग खेल संगठनों के साथ मिलकर फिटनेस प्रभात फेरी निकाली। फिट इंडिया कैंपेन को लेकर इंदौर के नेहरू स्टेडियम से साइक्लोथॉन रैली भी निकाली गई। इसमें जिला खेल अधिकारी जोसेफ बक्सला के साथ हजारों युवाओं की टीम के अलावा इंदौर के सांसद शंकर लालवानी, पूर्व मंत्री तुलसी सिलावट के साथ हजारों लोग मौजूद। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के निर्देशन में जो फिट इंडिया कैंपेन को लेकर जो कार्यक्रम हुआ, वो पूरे मध्य प्रदेश ही नहीं, इंदौर ज़िले में उसमें बहुत ही युवाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और जैसे कि फिट इंडिया कैंपेन को लेकर जो प्रभात फेरी निकाली जानी थी माह दिसंबर में, तो दिसंबर माह के प्रथम सप्ताह में 1 से लेकर 7 तारीख तक सातों दिवस अलग अलग खेल संगठन द्वारा, विभिन्न स्कूलों द्वारा, हमारे कोचेस द्वारा प्रभात रैली निकाली गई। और जिसमें कि ओपी जायसवाल ग्रुप का बहुत बड़ा योगदान रहा इस प्रभात फेरी में। और महू में हमारे कोचेस जो डे बोर्डिंग कोचेस फुटबॉल के, उनके द्वारा प्रभात रैली निकाली गई। और इसी तरीके से जो विभिन्न खेल संगठन हैं, द वॉरियर्स ग्रुप, द मैराथन ग्रुप्स, और इसी तरीके से नेहरू युवा केंद्र के द्वारा भी प्रभात रैली का आयोजन किया गया। और इसी प रकार 13 दिसंबर 2020 को स्थानीय नेहरू स्टेडियम पर एक साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे इंदौर के माननीय सांसद महोदय ने भी इसमें भाग लिया। और इसमें हमारे शहरवासियों को स्वस्थ रहने के लिए जागरूक किया, और साथ ही हमारे पूर्व मंत्री जी तुलसीराम सिलावट जी भी इसमें शामिल हुए और जिसमें साइक्लोथॉन में हिस्सा लिया। और यह फिट इंडिया कैंपेन जो है, जिसका मेन उद्देश्य है फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज, ये मुहिम अभी पूरे दिसंबर माह में आयोजित हो रहा है और कंटिन्यू हम ये दिसंबर माह में यह आयोजन करते रहेंगे। और इसी कड़ी में 25 दिसंबर से अटल खेल परिसर में अटल जी की जयंती पर एक खेल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें वो फिट इंडिया कैंपेन में शामिल है। वहाँ भी लोगों को, युवाओं को, पूरे जन समुदाय को जागरूक कर रहे हैं कि कम से कम हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए आधा घंटा रोज निकालें। कैसा रिस्पॉन्स रहा लोगों का, आपने जो कैंपेन चलाया, क्या मतलब लोगों का रिस्पॉन्स रहा? इससे ये हमें निष्कर्ष निकला कि काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़े और उनकी दिनचर्या, जैसा कि हमने मात्र 7 दिन हमने या प्रभात रैली निकाली या साइक्लोथॉन किया, पर अब लोग जागरूक हो गए हैं। वो प्रतिदिन अपने लिए 1-1 घंटा या 1 घंटे से ज़्यादा समय निकाल रहे हैं, वो अपने स्वास्थ्य के प्रति ज़्यादा जागरूक हो गए हैं।